6 बज गए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। अच्छे से सोई? हाँ बड़ी माँ, सुबह के 6 बज रहे हैं और इस टाइम पे तो आप अपने बाल गोपाल के पास होती हैं। अब मेरे पास आ जाएंगी तो उनको बुरा नहीं लगेगा? उन्हें तो मैं बाद में समझा दूंगी, लेकिन पहले तुझे तो समझ लूं। अब बता कैसी है? मैं पहले से ज्यादा अमेजिंग, ज्यादा हॉट, ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा खुश। मिष्टी, लोग सच से आंखें चुराने के लिए झूठ का चश्मा पहन लेते हैं। कहीं तूने अपना चश्मा उतार के सच से नजरें तो नहीं चुरा ली ना बेटा? बड़ी माँ, 2 महीने पहले मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि शायद मुझे सच तो क्या, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। मुझे मेरी खुशियां दिख रही है, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल हो गया है बड़ी माँ। तो फिर मैं पीछे मुड़ के क्यों देखूं? तेरे बड़े पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तू आगे बढ़ना सीख गई है। हाँ बड़ी माँ, बड़ी माँ अभी आप अपने बाल गोपाल के पास जाइए, नहीं तो सच में नाराज हो जाएंगे। ये चश्मा कहाँ है? Oh, stupid, मैं तो भूल ही गई, मिष्टी 2.0 चश्मा नहीं लगाती। नन्नू को मैसेज करना है। सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, अब जल्दी से आ जा वरना मैं मैरिज साइट पे तेरा प्रोफाइल बना लूंगी। सबका तो पता नहीं है मिस्टी बॉट, पर लगता है कि तू मुझे बहुत मिस कर रही है। अरे क्या बात है दीदी, इतने दिन बाद। आप बैठो, मैं आपके लिए स्पेशल चाय लाता हूँ। ठीक है। तुझे कौन मिस करेगा? ये मैसेज मैंने नन्नू की बजाय उसे भेज दिया। ओह गॉड, मुझे कैसे भी करके ये मैसेज को डिलीट करना होगा, इससे पहले वो पढ़ ले। भैया मेरी चाय रेडी है। ओ हो 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 हो, आज की चाय की तो खुशबू ही अलग है, कुछ स्पेशल है क्या? लैपटॉप रेडी सर। चार्ज 100%। फाइल्स चेक। मेरे विटामिन्स चेक। सप्लीमेंट्स चेक। शायरी सर, वो तुम लोगों से प्यार पर 2 लाइन की शायरी भी नहीं लिखी जाती। हाउस राइट, आज जीने मरने की कस्में खाने वाले, अपनी ट्रू लव स्टोरी पर पोएट्री करने वाले, इवेंचुअली दूसरों की शादी पे चन्ना मेरे आ गाते। आई लाइक इट कि तुम लोग मेरी तरह सोचते हो, बट पोएट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे शायरी चाहिए रेडी विद इन 5 मिनट्स। एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहा है, आई वांट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये डील क्रैक होनी चाहिए। ये कपड़े वाटरप्रूफ है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं भी वाटरप्रूफ नहीं हूँ। किसी को बताना मत, बट मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अच्छा है,
आपको अपने घर में बाथरूम नहीं बनाना पड़ेगा। मुझे डूबने से भी डर लगता है। इसका मतलब है मुझे प्यार भी नहीं करना चाहिए, राइट? मतलब वो किसी पोएट ने कहा ना कि इश्क आसान नहीं है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, समथिंग समथिंग। जिगर मुरादाबादी। सॉरी, पोएट का नाम। और वैसे अगर आपको पानी और डूबने से इतना डर लगता है तो पूल के पास क्या कर रहे हैं? प्यार खींच रहा है। मतलब मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ। एक्चुअली ये डील मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट है। निशांत एम, मिस्टर राजवंश। ए, टू नॉट फेयर यार। क्या? क्योंकि तुमने आते ही मेरी जान बचा ली। अब निगोशिएशंस में तुम जो मांगोगे मुझे देना पड़ेगा। हो सकता है आप मेरी जान बचा लें और उसके बाद मैं आपसे कुछ मांग ना सकूं। अरे मांग के तो देखो, तुम जो मांगोगे ना मैं दूंगा, सिवाय के जो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। मेरा नाम अबीर। निशान चले। नाइस, ये आपका आइडिया तुम्हें कहां से आया? आई मीन इतना रोमांटिक है। टू लव, सात जन्म, जीना मरना, अरिजीत सिंह के गाने। आई एम श्योर यू मस्ट बी बिलीविंग इन दैट। हाउ आर? आह, एक्सक्यूज मी, क्या लोगे? चाय, कॉफी? कॉफी मे बी। एक कॉफी, मुझे कुछ नहीं। तुमने बताया नहीं ये ऐप की डिजाइन क्यों? तुम किसी को ढूंढ रहे हो या तुम्हारी कोई डीप सी स्टोरी है? स्टोरी कहानी तो सबकी होती है, कुछ की कहानी पूरी होती है और कुछ की अधूरी रह जाती है। मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी की कहानी अधूरी ना रहे, हर किसी को उसका प्यार मिले, एक साथी मिले। तो चाहे वो साथी लाइफ पार्टनर बन जाए या फिर एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। I love it! ये तुम्हारी अधूरी कहानी पूरी कहानी तुमने अभी बनाई या पहले बनाई, I don't care, but I love your कहानी। देखो, हम तुम्हारे इस ऐप को लॉन्च करेंगे, पर हम ये कह के लॉन्च करेंगे कि ये सिर्फ प्यार नहीं बल्कि रिश्ते भी जोड़ेंगे। अच्छा, one more thing, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, उसके सामने प्लीज ऐसी पोएटिक बातें मत करना। मतलब उसे ये सब बातें बहुत पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर तुमसे प्यार कर बैठे। ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से बिजनेस के लिए आया हूँ और प्यार वगैरह के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एनीवेज, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम पेपर्स अभी साइन कर सकते हैं? एक शर्त है। किया इश्क तो दिल बोला, ये दर्द का सौदा ठीक नहीं, महंगा पड़ता है काफी, है खुशियों के नजदीक नहीं। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? आई नो इट्स 2020, पर तुम किसी को जानते हो जो आज की डेट में भी शायरी करे? नहीं, मैं भी नहीं, पर करना चाहता हूं। ये शायरी आपके लिए? नहीं, मेरी पार्टनर के लिए। शी लव्स पोएट्री, मैंने कहा था ना। हाँ, देखो मैं चाहता हूं कि तुम उसे मिलकर जाओ, उसके बिना मैं कोई डिसीजन नहीं लेता। तो अपनी पार्टनर के बारे में और कुछ बताइए, उन्हें क्या पसंद है? क्या बताऊं, पूरी की पूरी पागल है, पर उसके जैसी कोई नहीं। वो दिखती मॉडर्न है बट सोचती ट्रेडिशन है। आई बेट तुमने ऐसी लड़की को आज तक नहीं देखा होगा। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं अभी, मैं तो वैसे सबसे प्यार भी नहीं कर सकती जैसे तुम सबसे प्यार करते हो। आप इनसे कहां मिले? मैं लंदन में। अभी मैं जानता हूं कि ये शायरी ना थोड़ी सोसो है, पर क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? पोएट्री के अलावा उन्हें और क्या पसंद है? उसे उसे खिचड़ी पसंद है। देखो, और वो हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढती है, जैसे कि एक कागज के टुकड़े से वो ओरिगामी बर्ड्स बना देती है। क्या वो चश्मा भी लगाती है? नहीं। अच्छा अभी सुनो ना, ये शायरी ठीक करने में मेरी मदद करोगे? सॉरी दोस्त, मैं शायरी नहीं करता,
मिस्टी बॉट। तू आ गई? तू बुला और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।